आपने गौर किया है हमारे आसपास कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पर हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग क्यों हैं? क्योंकि इन सब की जो शक्ल है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए हमें चीज़ें अलग दिखाई देती हैं। तो हमारे रियाजी में भी ऐसी बहुत सी शक्लें होती हैं जिन्हें हम हिंसी शक्लें कहते हैं। हमें रियाजी का ये सबक हिंसी शक्लें इस तरह से बच्चों को समझाना है कि वो अपने आतराफ में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें मौजूद हिंसी शक्लों को पहचान पाए। जैसे कि कुछ चीज़ें गोल है, कुछ चीज़ों के तीन कोण है, कुछ चीज़ों चौकोन होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आए। इसके अलावा जो दायरा है, जो हमारा इस तरह का दायरा होता है, इसमें जो अलग अलग अज्जा होते हैं जैसे कि मरकज, निस, खुतर, खुतर, वितर, ये तमाम अज्जा भी हमें बच्चों को समझाने हैं। और प्रकार की मदद से बच्चों को दायरा उतारते आए इस बात का हमें ख्याल रखना है। लेकिन जब बच्चे प्रकार का इस्तेमाल करें तो ख्याल रखें कि उन्हें किसी तरह की चोट ना पहुँचे। हमें बच्चों को सबक इस तरह से समझाना है कि ना सिर्फ उनकी इल्मी तरक्की हो बल्कि उनकी ज़हनी तरक्की हो, उनकी जिस्मानी तरक्की हो, उनकी समाजी तरक्की हो, बहरहाल उनकी मजमूई तरक्की पर हमें यहाँ पर जोर देना है। और बच्चे जो भी हिंसी शक्लें उन्होंने सीखी हैं उसको इस्तेमाल कर पाए, बच्चों की शक्लों की अहमियत को समझ पाए, ये तमाम चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जमात चहरुम का रियाजी का ये सबक हिंसी शक्लें NEP 2020 के साथ। शुक्रिया।